मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ इन टुडेज लेक्चर थर्मो इलेक्ट्रिसिटी और उसके कुछ लॉज, यहाँ पर देर आर टू लॉज, लॉज ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, ये डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्लियर किया था, थर्मोकपल। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, थॉम्पसन इफेक्ट, है ना। तो सीबेक इफेक्ट हमने लास्ट लेक्चर क्लियर किया था, तो उससे रिलेटेड ये दो लॉज यहाँ पर, लॉज ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बाद फिर हम पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉम्पसन इफेक्ट डिस्कस करते हैं। ओके, नो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सक्सेसिव टेम्परेचर्स। अब स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया है, फॉर अ गिवन थर्मोकपल द ईएमएफ फॉर एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू The sum of EMFs corresponding to any smaller intervals into which the given range of temperature may be subdivided. इसका मतलब क्या होता है? Consider this is a metal. Okay, it is a metal. Then suppose we divide it into small segments like this. This is first segment, okay, and this end has temperature T1. यहाँ से metal का दूसरा segment start हो जाता है, तो let इस junction पर, मतलब ये एक ही metal है, लेकिन हमने यहाँ पर small elements divide कर दिए यहाँ पर. There are n number of such small segments. Suppose इस end पर temperature T1, इस end पर temperature T2, यहाँ पर T3, okay, T4. Like that. और लास्ट का जो एंड होगा यहां पर टेम्परेचर होगा TN, फॉर एग्जाम्पल। नाउ मुझे बताइए इस एंड पर टेम्परेचर कितना होगा, लेट इट इज TN-1, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है यहां पर, ओके, T1 ज्यादा है TN से, तो यहां पर ऐसे कंसीडर करेंगे हम कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4 अप टू TN-1 ग्रेटर देन TN, ओके। अब टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण यहां पर थर्मो ईएमएफ जनरेट होगा, तो फर्स्ट सेगमेंट जो होगा, देखिए यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा T1-T2, तो यहां पर जो ईएमएफ तैयार होगा, ओके, लेट दिस इज डिनोटेड बाय ई T1, T2, मतलब थर्मो ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द टेम्परेचर्स T1 एंड T2 फॉर दिस फर्स्ट सेगमेंट। अब दूसरा जो सेगमेंट होगा, यहां पर टेम्परेचर T2, यहां पर टेम्परेचर T3, तो इसके अक्रॉस थर्मो ईएमएफ कितना जनरेट होगा, दिस इज ई T2, T3, है ना। सिमिलरली अब ये लास्ट सेगमेंट जो होगा, यहां पर TN-1 इज ग्रेटर देन TN, तो लास्ट सेगमेंट में ईएमएफ कितना जनरेट होगा, ई TN-1 टू TN, ओके। तो TN-1 और TN मतलब इस लास्ट सेगमेंट के एंड्स का टेम्परेचर। नाउ अब फर्स्ट एंड एंड लास्ट एंड का टेम्परेचर क्या है, TN एंड TN, तो टोटल मेटल के अक्रॉस थर्मो ईएमएफ कितना जनरेट होगा, दैट इज ई T1 TN, है ना। तो ये टोटल जो होगा, इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल्स ईएमएफ्स प्रोड्यूस्ड अक्रॉस ईच सेगमेंट। देखिए फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द मेटल ई T1 T2, सेकंड के लिए थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ई T2 T3, ओके। ऐसे करते करते लास्ट सेगमेंट में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ई TN-1 TN, तो इन सब के एडिशन किसके बराबर होती है, द थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बिटवीन द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द मेटल, दैट इज ई T1 TN, ओके। सो दिस इज द स्टेटमेंट, देखिए इज इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ्स करस्पॉन्डिंग टू एनी स्मॉलर इंटरवल्स इनटू व्हिच द गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर मे बी डिवाइडेड, ओके। नाउ दिस लॉ ऑफ सक्सेसिव टेम्परेचर इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स। नाउ सेकंड लॉ ऑफ सक्सेसिव मेटल्स, स्टेटमेंट पहले,
If a number of metals are in successive contacts forming a chain, then effective EMF between extreme metals when placed in direct contact at given temperature is equal to the sum of individual EMFs between adjacent metals provided all the junctions are at the same temperature. Okay, अब देखिए यहाँ पर एक ही मेटल हमने कंसिडर किया था, अब यहाँ पर अलग अलग मेटल्स होंगे. लेट दिस इज ए मेटल यहां से यहां तक, ओके. लेट दिस इज बी मेटल, सी मेटल एंड लास्ट डी मेटल. सपोज वी कंसिडर फोर मेटल बार्स, ओके, कनेक्टेड डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट. मतलब यहां पर ए और बी का जंक्शन होगा, यहां पर बी और सी का जंक्शन होगा, सी और डी का जंक्शन होगा, और ये ए और डी का जंक्शन होगा. कंसिडर ये फर्स्ट मेटल है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो स्टेटमेंट क्या दिया है यहां पर कि इफेक्टिव ईएमएफ बिटवीन एक्सट्रीम मेटल्स, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ मेटल, ओके, व्हेन प्लेस इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एट गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ बिटवीन एडजेसेंट मेटल्स प्रोवाइडेड ऑल द जंक्शन शुड बी एट सेम टेम्परेचर. देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ ये एक्सट्रीम मेटल्स ए और डी, इनका जंक्शन यहां पर है, तो यहां पर टोटल ईएमएफ कितना होगा, थर्मो ईएमएफ दैट इज ई ए डी इज इक्वल, ओके. अब इस जंक्शन पर कितना होगा थर्मो ईएमएफ, ई ए डी प्लस इस जंक्शन पर ई बी सी प्लस इस जंक्शन पर कितना होगा ई सी. तो इन तीनों का एडिशन, मतलब एक्सट्रीम मेटल्स के अक्रॉस कितना थर्मो ईएमएफ है, सपोज ए एंड डी, ओके, तो ई ए डी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ्स प्रोड्यूस बिटवीन द एडजेसेंट मेटल्स ई ए बी ई बी सी प्लस ई सी डी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अब सेकंड इफेक्ट पेल्टियर इफेक्ट यहां पर डिस्कस करते हैं. देखिए थर्मोकपल वही है, कॉपर आयरन थर्मोकपल, ओके, कॉपर मेटल एंड आयरन मेटल वायर कनेक्टेड एट पॉइंट ए एंड बी, सो देर आर टू जंक्शन, जंक्शन ए जंक्शन बी. नाउ व्हेन सेल इज कनेक्टेड इन थर्मोकपल सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके. अब जब यहां पर करंट पास होते हैं तो ए टर्मिनल पर हीट एब्जॉर्ब होगी एंड बी टर्मिनल पर हीट इवॉल्व होती है, हीट इज इवॉल्व, ओके. सो दिस इज नोन एज पेल्टियर इफेक्ट. देखिए पेल्टियर इफेक्ट का मीनिंग अब क्या होता है, व्हेन द जंक्शंस ऑफ थर्मोकपल, मतलब ए पॉइंट एंड बी पॉइंट आर एट सेम टेम्परेचर, ओके, and when cell is connected in thermocouple circuit, when current passes through thermocouple circuit, okay, at one end or junction heat absorb होती है and other junction पर heat evolve होती है, so this is known as Peltier effect. ये Peltier effect यहाँ पर, okay, तो A point पर देखिए heat absorb होती है, मतलब A end is heated, इसके वजह से A end क्या होगी हॉट एंड हो जाएगा एंड बी एंड पर हीट इवॉल्व होती है, मतलब बी एंड इज कोल्ड, वहां पर कूलिंग होती है, हीट इवॉल्विंग मतलब कूलिंग होगी, ओके. सो दिस इफेक्ट इज नोन एज पेल्टियर इफेक्ट. दिस पेल्टियर इफेक्ट इज रिवर्सिबल ऑल्सो, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम टर्मिनल्स ऑफ सेल चेंज कर देते अल्टर कर देते, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो यहां पर हीट इवॉल्व होगी एंड यहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम चेंज कर देते हैं तो जिस जंक्शन पर हीट एब्जॉर्ब हो रही थी वहां पर हीट अब इवॉल्व होगी और जहां पर हीट इवॉल्व हो रही थी वहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी, ओके. सो पेल्टियर इफेक्ट इज रिवर्सिबल. एट द जंक्शंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू दिस थर्मोकपल सर्किट, ओके. सो इफ वी कनेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन टू और मोर सेल्स देन मोर
amount of heat will be absorbed at one junction and more amount of heat will be evolved at other junction. Now this Peltier effect is complementary of Seebeck effect. देखिए Seebeck effect last lecture में हमने देखा था कि thermocouple circuit हमने instead of cell galvanometer connect किया था because वहाँ पर current detect करना था, ठीक है? तो hot end and cold end मतलब दोनों junctions same temperature पर नहीं थे, there is temperature difference, तो वहाँ पर एक thermo EMF produce होता है and current generate होती है. अब इसमें क्या किया हमने कि जंक्शन ए और जंक्शन बी सेम टेम्परेचर पर थे इनिशियली, जैसे हम सेल कनेक्ट करते हैं देन करंट पासेस थ्रू इट, देन ए एंड पर हीट एब्जॉर्ब होगी मतलब यहां हीटेड प्रोसेस होगी मतलब ए एंड हॉट एंड बन जाएगा एंड बी एंड पर हीट इवॉल्व होगी तो ये कोल्ड हो जाता है. तो एग्जैक्टली अपोजिट टू Seebeck इफेक्ट. सो पेल्टियर इफेक्ट इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ Seebeck इफेक्ट. ओके देन Peltier coefficient. Peltier coefficient का मीनिंग क्या होता है? The amount of heat absorbed or evolved at any junction. Okay. If one coulomb of charge pass through it is known as Peltier coefficient. Peltier coefficient denoted by pi is equal to Peltier heat. Peltier heat मतलब heat absorbed or heat evolved at any junction is known as Peltier heat. Now, Peltier heat divided by charge pass through. Okay, H divided by Q. H, Peltier heat, charge Q is equivalent to EMF. देखिए, EMF is equal to work done per unit charge. तो यहाँ पर Peltier effect is equivalent to work done. So, this H by Q is equivalent to EMF. Okay, so, Peltier coefficient is equivalent to the Peltier EMF. अब यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा? From this equation देखिए, heat joule, joule per charge का यूनिट होता है coulomb, joule per coulomb. Okay. Now number 3, Thomson effect. Okay. Seebeck effect, Peltier effect, third Thomson effect. अब Thomson effect क्या होता है? यहाँ पर देखिए कि that is the process of absorption or evolution of heat in exchange. When current is passing through the conductor of unequally heated is known as Thomson effect. देखिए, suppose यहाँ पर एक copper conductor है A, B. अब A hot end है, B cold end है. मतलब A, B conductor is not uniformly heated. A point पर temperature ज़्यादा है, B point पर temperature कम है. So copper conductor is said to be unequally heated. Okay. अब अगर इसमें से हम करंट पास करते हैं तो यहां पर हीट इवॉल्व हो जाती है. ओके वैसे अगर करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, इफ करंट फ्लोस फ्रॉम कोल्ड एंड टुवर्ड्स द हॉट एंड तो यहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है. सो दिस इज नोन एज थॉमसन इफेक्ट मतलब प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट इन एक्सचेंज when current passing through unequally conductor. Okay, this is Thomson effect. Now Thomson effect is reversible. जैसे हमने यहाँ पर देखा, देखिए, if current is passed from hot end to cold end, heat is evolved. Now, if the direction of current is reverse, मतलब अगर current हम cold end to hot end की तरफ current की direction कर देते हैं, तो यहाँ पर heat absorb होगी. So this is reversible process in this sense. Okay. Now, this Thomson effect is zero. For which metal? For lead, it is zero. So, lead is used as reference metal in thermoelectricity. इसका मतलब, अगर lead conductor लेते हैं, और unequally heated lead conductor अगर यहाँ पर होता है, तो अगर उसमें से current हम pass करते हैं, तो वहाँ पर heat absorb या evolve significantly नहीं होती है. So, lead is used as reference metal in thermoelectricity. Okay. अब इसमें दो तरह के इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट एंड सेकंड नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट. अब पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम करंट पास करते हैं हॉट एंड टू कोल्ड एंड तो यहां पर हीट इवॉल्व होती है एंड इफ वी करंट पासेस फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड हीट इज एब्सॉर्ब. तो दिस टाइप ऑफ थॉमसन इफेक्ट इज नोन एज पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट. और ये पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट कौन कौन से मेटल्स में होते हैं? For example,
एंटीमनी सिल्वर जिंक कॉपर एटसेट्रा दैट कंडक्टर शोज पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट। मतलब ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें अगर हम हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ करंट पास कर देते हैं तो हीट इवॉल्व होगी, अगर कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ करंट पास करते हैं तो हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। सो दिस इज पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट एंड दिस मटेरियल शोज सच टाइप ऑफ इफेक्ट। ओके, अब सेकंड नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट का मतलब क्या होगा, इसका अपोजिट। ओके, जैसे यहां पर देखें एक कंडक्टर यहां पर दिया है हॉट एंड कोल्ड एंड, और कोल्ड एंड से अगर हम करंट पास करते थे टुवर्ड्स द हॉट एंड तो यहां पर हीट इवॉल्व होती है, मतलब इसके अपोजिट है ना। इसका मतलब और क्या होगा, अगर हम करंट पास कर देते थे फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड तो यहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से, बिस्मथ प्लैटिनम कोबाल्ट निकेल एंड मर्क्यूरी। ओके, दिस आर टू इफेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट। नो, अब इसमें जैसे हमने सीबेक इफेक्ट में सीबेक कोएफिशिएंट दैट इज थर्मो इलेक्ट्रिक पावर, यस है ना, यहां पर कोएफिशिएंट क्या था, यस था सिंबल। देन पेल्टियर इफेक्ट में पेल्टियर कोएफिशिएंट इसका सिंबल क्या है, पाई। वैसे थॉमसन इफेक्ट में भी एक कोएफिशिएंट होता है दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, नोन एज थॉमसन कोएफिशिएंट। नो, थॉमसन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज द ईएमएफ सेटअप बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर व्हिच हैव अ टेंपरेचर ऑफ डिफरेंस 1°C। ओके, देखिए सिग्मा इज इक्वल टू एज ईएमएफ सेटअप, मतलब यहां पर हम डीई लिख सकते हैं इस डिवाइडेड बाय डीटी। ओके, ईएमएफ सेटअप बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर व्हिच हैव टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ 1°C। डी मतलब ईएमएफ सेटअप बिटवीन द हॉट एंड एंड कोल्ड एंड, एंड डीटी दैट इज टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड एंड कोल्ड एंड। ओके, नाउ अब हमारे पास एक फॉर्मूला कौन सा है, देखिए एस इज इक्वल टू डीई डिवाइडेड बाय डीटी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डीएस इज इक्वल टू डीई डिवाइडेड बाय डीटी के जगह पर अगर हम टी लिख देते हैं तो डीई का फॉर्मूला क्या होगा, टी इंटू डीएस, राइट। अब ये डी के जगह पर अगर हम टी इंटू डीएस लिखते हैं देखिए तो ये आ जाएगा टी इंटू डीएस डिवाइडेड बाय डीटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू टी इंटू डीएस बाय डीटी। नो, अब यहां पर माइनस साइन क्यों होगा, बिकॉज नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन कैलकुलेशन में हम इसका मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू टी इंटू डीएस बाय डीटी। ओके, सीबेक कोएफिशिएंट दैट इज थर्मो इलेक्ट्रिक पावर यहां पर लिखा है एस इज इक्वल डी बाय डीटी। ओके, इस तरह से हमने थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, ओके, उसका मीनिंग थर्मोकपल देन थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स सीबेक इफेक्ट पेल्टियर इफेक्ट थॉमसन इफेक्ट और उनके कोएफिशिएंट्स ये हमने यहां पर हम डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देयर आर 5 न्यूमेरिकल्स। अब देखिए नंबर 1 द टेंपरेचर ऑफ इन्वर्शन ऑफ अ थर्मोकपल इज 620°C। अब टेंपरेचर ऑफ इन्वर्शन मतलब टी आई की वैल्यू है ना, तो ये टी आई की वैल्यू होगी टी आई, एंड न्यूट्रल टेंपरेचर इज 300 दैट इज द वैल्यू ऑफ टी एन। फाइंड टेंपरेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन मतलब टी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। अब टी आई टी एन टी सी इनके बीच रिलेशन क्या होता है, यस, बिकॉज हमने एक ग्राफ देखा था, देखिए वेरिएशन ऑफ ई विद टेम्परेचर थर्मो ईएमएफ एंड टेम्परेचर का वेरिएशन ग्राफ है ना। तो न्यूट्रल टेम्परेचर मतलब जहां पर
मैक्सिमम थर्मो ईएमएफ होता है। तो न्यूट्रल टेम्परेचर के आगे जितना टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतना ही टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन एंड न्यूट्रल टेम्परेचर में होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, टी आई माइनस टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस टी सी, है ना। या फिर अगर माइनस टी सी इधर लाते हैं तो टी सी इज इक्वल टू ये सारे टर्म्स इधर लेके आओ, फिर माइनस टी एन इधर प्लस हो जाएगा, टी एन दैट इज टू टाइम्स टी एन माइनस टी आई। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, टू टाइम्स टी एन न्यूट्रल टेम्परेचर कितना है 300 माइनस टी आई टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन 620। ओके तो टी सी कितना होगा, 2 × 300 600, 600 माइनस 620 दैट इज माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन कितना होगा, माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। ओके नाउ सेकंड, नियर रूम टेम्परेचर द थर्मो ईएमएफ ऑफ कॉपर थर्मोकपल इज 40 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। ओके अब माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अगर यूनिट माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस स्क्वायर होता है तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा। ओके सो ये अल्फा की वैल्यू है। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस कैन डिटेक्ट 10⁻⁶ एम्पियर दैट इज करंट, व्हाट इज द लीस्ट टेम्परेचर डिफरेंस डिटेक्टेड। देखिए गिवन डाटा क्या क्या दिया है आपको, अल्फा की वैल्यू 40 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस दैट इज 40 × 10⁻⁶, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। देन रेजिस्टेंस कितना है, आर इज इक्वल टू 100 ओम, एंड करंट कितना डिटेक्ट होता है, 10⁻⁶ एम्पियर। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर पूछा है। ओके तो हमारे पास एक फॉर्मूला कौन सा, देखिए ई इज इक्वल टू अल्फा टी, इसको हम अल्फा इंटू डी टी बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस डिटेक्टेड यहां पर पूछा है, व्हाट इज द लीस्ट टेम्परेचर डिफरेंस डिटेक्टेड, तो टी को हम डी टी लिखते हैं, दैट रिप्रेजेंट द टेम्परेचर डिफरेंस। ओके तो डी टी की वैल्यू यहां पर निकालनी है हमें, डी टी की वैल्यू निकालनी है। अब डी टी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डी टी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय अल्फा। ओके ए का मतलब थर्मो ईएमएफ। ओके अब हमें यहां पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एंड उसमें से पास होने वाला करंट दिया है, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, आई आर डिवाइडेड बाय अल्फा। अब इसमें वैल्यूज रखिए, आई कितना है 10⁻⁶, आर 100 डिवाइडेड बाय अल्फा 40 × 10⁻⁶। ओके तो 10⁻⁶ 10⁻⁶ कैंसिल, 0 0 भी कैंसिल, देयरफॉर डी टी इज इक्वल टू, अब यहां पर 10 बचा है तो 4 से डिवाइड कीजिए दैट इज 2.5 डिग्री सेल्सियस। ओके द लीस्ट टेम्परेचर डिफरेंस कितना डिटेक्ट होगा, फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। नेक्स्ट नंबर 3, थर्मो ईएमएफ ऑफ कॉपर थर्मोकपल वेरीज एज, इसका एक फॉर्मूला दिया है, ई इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाय 2। अब ये फॉर्मूला कौन से कंडीशन के लिए होगा, जब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके अल्फा की वैल्यू दी 40 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस एंड बीटा की वैल्यू 40 नैनो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। ओके इफ टी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस टी सी 0, ये कंडीशन है ना, मतलब जब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन 0 होता है तो ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। ओके तो फाइंड थर्मो ईएमएफ, थर्मो ईएमएफ मतलब ई की वैल्यू निकालनी है हमें, अब यही फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके ई इज इक्वल टू, देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा 40 माइक्रो मतलब 10⁻⁶ इंटू टी 100 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 40 नैनो, नैनो मतलब 10⁻⁹, सो 40 × 10⁻⁹ बीटा की वैल्यू रखी हमने। ओके और टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर मतलब 100 स्क्वेयर, 100 का स्क्वेयर। ओके डिवाइडेड बाय 2, इसको कंप्लीट करना है, ई इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए अब
100 मतलब 10 रेस टू 2 और 40 का एक जीरो अगर लेते हैं 10 रेस टू 1 तो 10 रेस टू प्लस 3 होगा और ये 10 रेस टू माइनस 6 मतलब 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना। प्लस अब यहां पर 20 हो जाता है, राइट। अब ध्यान दीजिए इधर 100 मतलब 10 रेस टू 2 उसका स्क्वायर कितना होगा 10 रेस टू 4, 10 रेस टू 4 और ये 10 रेस टू माइनस 9 कितना होगा 10 रेस टू माइनस 5 और 20 का एक जीरो अगर हम यूटिलाइज कर देते तो 10 रेस टू माइनस 4 तो यहां पर होगा 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 4। अब इनकी एडिशन करनी है तो फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। देखिए 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 प्लस यहां पर हम 0.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 लिख सकते हैं, है ना। अब 10 रेस टू माइनस 3 10 रेस टू माइनस 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम हो गए। सो E इज इक्वल टू इनकी एडिशन कीजिए 4.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 वोल्ट इसका आंसर होगा या फिर 4.2 मिली वोल्ट। ओके सो थर्मो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा 4.2 मिली वोल्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर 4 थर्मो ईएमएफ इज गिवन बाय वेव फार्मूला E इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाय 2। अल्फा की वैल्यू दी है 10 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, बीटा -1/20 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस स्क्वायर। ओके इफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन इज 0 तो होगा TC की वैल्यू 0 होगी। फाइंड न्यूट्रल टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ इनवर्शन। अब देखिए कोल्ड टेम्परेचर TC कितना है यहां पर 0 है, न्यूट्रल टेम्परेचर निकालना है हमें एंड टेम्परेचर ऑफ इनवर्शन मतलब TI की वैल्यू भी निकालनी है। No. अब कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर अगर 0 होता है तो डायरेक्टली हमारे पास Tn के लिए एक फॉर्मूला देखिए Tn इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाय बीटा या बीटा बाय अल्फा, अल्फा बाय बीटा ये फॉर्मूला है। नो माइनस अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस और इसका भी यूनिट माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस है ना, तो माइक्रो वोल्ट कैंसिल हो जाएंगे डिवाइडेड बाय माइनस और बीटा की वैल्यू -1/20। ओके तो यहां पर डिग्री सेल्सियस और यहां पर डिग्री सेल्सियस स्क्वायर है तो ऊपर आने के बाद डिग्री सेल्सियस रहेगा ये। नाउ टीएन की वैल्यू कितनी आएगी अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 20 ऊपर मल्टीप्लिकेशन दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस ये टीएन की वैल्यू। ओके अब टीआई की वैल्यू क्या होती है टीआई इज इक्वल टू 2 टाइम्स टीएन दैट इज 2 इंटू 200 सो 400 डिग्री सेल्सियस। टीएन की वैल्यू 200 टीआई की वैल्यू 400 डिग्री सेल्सियस, राइट। देखिए नेक्स्ट नंबर 5 द थर्मो इलेक्ट्रिक पावर्स। अब थर्मो इलेक्ट्रिक पावर्स मतलब सिंबल यस होता है इसका ऑफ प्लेटिनम निकेल एंड आयरन आर -4 -21 एंड 12 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। अब माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस इस सब के लिए यूनिट सेम होगा। ओके मतलब प्लेटिनम का थर्मो इलेक्ट्रिक पावर कितना होगा -4 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, निकल के लिए -21 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस एंड आयन के लिए 12 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लैटिनम निकेल एंड निकेल आयन थर्मोकपल्स विद जंक्शंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जंक्शन एक जंक्शन का टेम्परेचर 0 है तो दूसरा कितना है 100 है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन कितना है 100। ओके इसका मतलब यहां पर dT की वैल्यू हम 100 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। ओके टेम्परेचर डिफरेंस देखिए प्लैटिनम देन निकेल ओके एंड आयरन तो यहां पर निकालना है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ यहां पर ईएमएफ होना चाहिए ईएमएफ। ओके What will be the magnitude of EMF of platinum nickel, nickel iron,
थर्मोकपल्स विथ जंक्शन। ओके, अब देखिए यहां पर प्लैटिनम के लिए थर्मो इलेक्ट्रिक पावर एस वन लेते हैं हम यहां पर, तो एस वन की वैल्यू कितनी है? -4 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। लेट निकेल के लिए माइनस, लेट इट इज एस टू, -21 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। और आयन के लिए एस थ्री इज इक्वल टू 12 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हमें थर्मो ईएमएफ निकालना है। देखिए थर्मो इलेक्ट्रिक पावर के लिए फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय डीटी। तो ई के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एस इनटू डीटी। ओके, अब देखिए पहले फॉर प्लैटिनम, प्लैटिनम के लिए लेट इट इज ई वन इज इक्वल, फॉर्मूला क्या होगा? एस वन इंटू डी टी। अब दोनों जंक्शन, एक जंक्शन पर 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा जंक्शन 100 डिग्री सेल्सियस, डी टी की वैल्यू 100, तो तीनों के लिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। ओके, तो एस वन की वैल्यू कितनी है? -4 ओके माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस इंटू, अब डी टी 100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस कैंसिल, सो दिस इज -400 माइक्रोवोल्ट। ओके, मतलब अक्रॉस प्लैटिनम थर्मो ईएमएफ कितना होगा? -400 माइक्रोवोल्ट। नो, अब सेकंड निकेल के लिए, ओके E2 लेते हैं हम, इज इक्वल S2 इनटू डीटी, S2 की वैल्यू -21 ओके माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस इंटू 100, मतलब -2100 माइक्रोवोल्ट, ये एक्रॉस निकल होगा। एंड लास्ट आयन Fe एक्रॉस थर्मो ईएमएफ कितना होगा? E3 इज इक्वल टू S3 इंटू डीटी, अब S3 की वैल्यू 12 है, 12 इंटू 100 दैट इज 1200 माइक्रोवोल्ट। हमने यहां पर माइक्रोवोल्ट रखा है, कन्वर्जन नहीं किया है। ओके, नो, अब मेन क्वेश्चन क्या है पर, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ऑफ प्लैटिनम निकेल एंड दूसरा निकेल आयन थर्मोकपल्स। अब पहले नंबर वन, प्लैटिनम निकेल थर्मोकपल, ओके अक्रॉस दिस थर्मोकपल थर्मो ईएमएफ कितना होगा? ओके, दैट इज सपोज ई इज इक्वल टू, अब प्लैटिनम के अक्रॉस कितना है? E1, निकल के अक्रॉस E2, इन दोनों का डिफरेंस, तो E1 - E2, ओके अब E1 की वैल्यू -400 -E2 की वैल्यू -2100, तो E कितना होगा यहां पर? -400 -2100, ओके तो इनका डिफरेंस लीजिए आप, 2100 -400 तो ये होगा 1700 माइक्रोवोल्ट या फिर 1.7 मिलीवोल्ट, है इसका आंसर होगा। मतलब प्लैटिनम निकल थर्मोकपल के अक्रॉस कितना थर्मो ईएमएफ डेवलप होगा? 1.7 मिलीवोल्ट या फिर 1700 माइक्रोवोल्ट। उसी तरह से हम सेकंड कौन सा है थर्मोकपल? निकेल आयन, ओके निकेल आयन थर्मोकपल के लिए ई इज इक्वल टू, अब निकेल के लिए कितना है यहां पर? देखिए A2 माइनस आयन के लिए ईएमएफ E3, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, अब E2 की वैल्यू यहां पर -2100 माइनस ओके E3, E3 की वैल्यू कितनी है? 1200, सो दिस इज इक्वल टू कितना होगा ये? -3300, ये होगा माइक्रोवोल्ट और -3.3 मिलीवोल्ट, ये आंसर होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट लेक्चर थ्योरेटिकल पॉइंट्स और आज के लेक्चर में फिर पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट एंड
5 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए। ओके।